हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको और पांच किकिंग कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत इफेक्टिव है। तो सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो आपका जो पहला कॉम्बिनेशन है वो है, आपको रियर लेग से स्नैप किक करना है, देन लीड लेग से हुक किक करना है। मतलब वही पैर सामने गिरेगा, उसके बाद उसी पैर से आपको हुक किक करना है। कैसे, एक बार देख लीजिए। रियर लेग से वो पहले स्नैप किक करेगा, मतलब जो पैर पीछे है, देन उस पैर को सामने ही फेंकेगा, देन उसी पैर से अब ऊपर हुक किक करेगा, इस तरह। ओके, क्लियर? तो फिर से देखिए, अभी नॉर्मल स्पीड से देखिए, एकदम इस तरह। ओके, नाउ अब बहुत, मतलब जो नॉर्मल स्पीड जो फास्ट होता है वो इस तरह। लास्ट, गुड। इस साइड से एक बार देखिए, रियर लेग से वो स्नैप किक करेगा, उसके बाद लीड लेग से हुक किक करने वाला है। स्नैप देन हुक, ओके क्लियर। सो अब नॉर्मल स्पीड एक बार देखिए, इस तरह। ओके, तो ये था आपका पहला कॉम्बिनेशन। अब जो आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है, आपको लीड लेग से हुक किक करना है, मतलब जो पैर उसका सामने रहेगा उस पैर से उसको हुक किक करना है, उसके बाद रियर लेग से, मतलब पीछे वाले पैर से स्नैप किक करना है। तो कैसे होगा देखिए, लीड लेग से सामने वाले पैर से उसको हुक किक करना है, हुक किक, देन पीछे वाले पैर से, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, और पीछे वाले पैर से वो स्नैप किक करेगा, इस तरह। ओके, अब अगर आप इस साइड से देखते हो, लीड लेग से हुक किक, देन पीछे वाले पैर से स्नैप किक। ओके, मतलब पीछे वाले पैर का जो स्नैप किक है वो मैं मिडिल पोजीशन में रख रहा हूँ। तो अब नॉर्मल स्पीड से देखते हैं कैसे होगा। गुड, लास्ट, गुड। ओके, तो ये है आपका दूसरा कॉम्बिनेशन। तो अब जो आपका तीसरा कॉम्बिनेशन है वो है, आपको लीड लेग से स्नैप किक करना है, देन रियर लेग से आपको हुक किक करना है। अब रियर लेग से कैसे हुक किक होगा, मैंने आपको जब हुक किक सिखाया था तब मैंने आपको दिखा दिया था, पीछे वाले पैर कैसे सामने खींच के देन यहाँ से उठा के हुक किक करना पड़ता है, मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह। ओके, ये मैंने एकदम स्लो में दिखाया आपको। तो अब वो दिखाएगा कैसे होगा, सामने वाले पैर से पहले स्नैप किक, स्नैप किक, देन पीछे वाले पैर से हुक किक, इस तरह। ओके, तब नॉर्मल स्पीड से देखते हैं, इस तरह। ओके, और एक बार, गुड। अगर आप इस साइड से देखते हो, पहले एक बार स्लो, एक देन उसके बाद फास्ट। तो अगर आप इस साइड से देखते हो, लीड लेग से स्नैप, देन रियर लेग से हुक किक करने वाला है, इस तरह। ओके, तब फास्ट देखिए कैसे होगा, गुड। ओके, तो ये है आपका तीसरा कॉम्बिनेशन। तो अब जो आपका चौथा कॉम्बिनेशन है वो है, आपको सामने वाले पैर से हुक किक करना है, देन उसी पैर से आपको साइड किक भी करना है। ओके, तो कैसे होगा देखिए, हुक किक, देन वो पैर सामने ही फेंकेगा, देन उसी पैर से साइड किक करेगा, इस तरह से। ओके, तब नॉर्मल स्पीड से कैसे होगा देखिए, सामने वाले पैर से हुक किक करना है, देन उसी पैर से साइड किक भी करना है, गुड। ओके, और एक बार देखिए, गुड। ओके, अगर अभी साइड से देखते हो, देन सामने वाले पैर से ही हुक किक, एक पहले स्लो हुक किक, देन साइड किक। ओके, एक्चुअली ये कैसे होता है, काम कैसे करता है, अगर वो सोचिए मेरे फेस पे हुक किक चलाता है और अगर मैं पीछे हो जाता हूँ, देन मेरा लोअर बॉडी वहीं पर रह गया, तो तभी उस पैर से वो अगर साइड किक करता है देन ओपोनेंट को चोट लगेगा। ओके, तो इस ऐसे ये कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो ये फिर से, गुड। तो ये था आपका चौथा कॉम्बिनेशन। तो अब जो आपका लास्ट कॉम्बिनेशन है वो है, पहले साइड किक करना है देन हुक किक करना है। मतलब चौथा कॉम्बिनेशन जो है वो उल्टा हो रहा है, किक पहले साइड किक देन हुक किक। कैसे, एक बार देखिए स्लो, पहले हुक साइड किक, देन पैर सामने फेंकेगा, देन उसी पैर से हुक किक करेगा, इस तरह। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, अगर वो सोचिए साइड किक मारता है और अगर मैं ऐसे बॉडी को पीछे कर लेता हूँ तो मेरा फेस सामने आ जाता है, देन वहाँ से उठा के इजीली हुक किक वो कर सकता है। तो ओके, फिर से एक बार देखिए, साइड किक देन हुक किक। ओके, अब फास्ट, गुड। इस साइड से देखिए, पहले स्लो साइड किक, देन पैर फेंकेगा और उसी पैर से हुक किक। ओके, तब फास्ट, लास्ट, गुड। तो ये था आपका लास्ट कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से सीख पाए हो पांच बेसिक किकिंग कॉम्बिनेशंस को, जो बहुत इफेक्टिव किकिंग कॉम्बिनेशंस है, देन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कुछ पूछना है देन कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है देन
डिस्क्रिप्शन पर मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन सारी चीज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा मेरे अगले वीडियो के लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।